एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अभिका काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो आप सब मुझसे फरमाइश करें कि प्लीज आप अपना ईद का व्लॉग शेयर करें कि आपकी ईद में रूटीन क्या होती है। तो भाई सच बताओ तो कोई खास रूटीन नहीं होती, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग से व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। सच बताओ तो हुआ ये कि सुबह सुबह सब नमाज पढ़ने, ऑब्वियसली भाई बाबा वगैरह सब नमाज पढ़ने गए थे, मैं उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी क्योंकि मेरा शूट हुआ हुआ था पहले से। मोस्टली ऐसा होता था पिछली ईद, जितनी भी ईद गुजरी है उन सब में ऐसा होता था कि मैं सुबह सुबह तैयार होती थी, पिक्चर्स खिंचवाने जाती थी, शाम में पिक्चर जाती थी, फिर मैं अपलोडिंग करती थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले से शूट करवा के रखा हुआ था, और आप लोग को याद होगा मैंने शूट वाला व्लॉग भी आप लोगों से शेयर किया था, तो इसीलिए इस बार मैं टेंशन फ्री थी। तो जब सब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उस वक्त मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, बट हाँ मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों से अभी इस व्लॉग में शेयर करूंगी कि सुबह मुझे ईदी मिली, भाइयों को ईदी मिली, वो सारी चीजें आप लोग अभी देखोगे। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। ये सारे बलून आए हैं, इनका भी बलून आ जाए। आपने अपना कलर कर लिया है सेम? वाह, अपने कलर कर लिया, मैंने गलत बोल दिया था। ये दोनों ट्विनिंग करियर में बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये बलून हमारे बचपन से आ रहे ना? हम बचपन में लेके आते थे, जरी हुआ मैं जब जाता था। जरी तो छोटा था, हम जब हम दोनों छोटे थे तब तुम थोड़ी आते थी मस्जिद। मस्जिद नहीं, बलून तो लेके आते थे ना, बड़े आते थे। अब तो तुम्हें छोटे छोटे आने लगे, पहले का इतना बड़ा, इतना बड़ा आता था, याद है हम लेके आए। लेकिन खैर बहरहाल मिल तो रहे हैं, आजो सब, ईदी सेशन होगा। ओहो माही, सबसे छोटे से स्टार्ट हुआ है, सलाम कौन करेगा? वापस दे रहे हो? उज़ैम सलाम कौन करेगा? किया है वही के ना, शर्मा शर्मा से। वालेकुम अस्सलाम, ये मेरी डबल। भैया मुझे 2000 रुपए मिले, तुम्हें 1000। अब ये मत बोला कि मुझे दे दो। ईदी होती है, ईदी ईदी होती है, और जब मम्मा पापा की तरफ से मिले तो उसकी तो अहमियत ही अलग होती है। 1 रुपए भी ईदी होती है, पता है? तुम्हारी ईदी मैं भी लाया हूँ। ओहो कहाँ गया? वो सब मैंने निकाल दी, तुमने कहा था ना स्टोरी लगाना, इन दोनों ने मुझे कहा था स्टोरी लगाने को। सामने देख लिया ना कि आप ही को 2000 मिले जी? नहीं मुझे ज्यादा मिले, ये अपनी वॉलेट से निकाल के लाए पिछली ईदी अपनी। बहुत चला के अभी मेरी नजर पड़ी, सारे बलून्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं दरवाजे पे, मतलब जैसे इनको बड़ी जल्दी है बाहर जाने की। इनको भी ईदी चाहिए भैया? दो ईदी दो, तुम दो, आप दे दे। बलून्स को क्यों दो बता, आप लोग को दूंगी ना, बल्कि आपको भी, इनको इनको छुटकों को। और आप भी 5-5 हजार रुपए। देखिए आप लोग ने ईदी सेशन हमारा, बाबा ने हम सबको ईदियाँ दी, मुझे सबसे ज्यादा ईदी दी और मेरे भाइयों को कम ईदी मिली है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा मही खान साहब के पास 3 नोट थे, है ना? 3 नोट थे ना, 2 नोट थे, 3 नोट थे। तो मही खान साहब की पिछले साल की भी ईदी मही ने जमा करके रखी हुई थी। वेरी फनी। तो अब मेरी बारी सबको ईदी देने की, क्योंकि सुबह मुझसे ये लोग ईदी मांग रहे थे कि आप ही हमें ईदी दे दो, आपने तो दी नहीं। तो मैंने बोला यार जब मैं तैयार हूँगी तभी मैं तुम लोगों को ईदी दूंगी, तो ये मेरे पास 100-100 की गड्डी। अभी मैं सबको घर में ईदी दूंगी, अब जब मैं जहाँ जाऊंगी, मतलब अभी इस व्लॉग में जहाँ आप लोगों को लेके जाऊंगी, उन सबको भी ईदी मुझे देनी होगी, तो वो सब मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। बट अभी मैं अपने भाइयों को ईदी देता हूँ, वरना वो मेरा दिमाग खा जाएंगे आज। तो आज इसको ईदी चाहिए। वैसे मैं सोचती 50-50 दूं, लेकिन क्या करूँ, ये लो दो और चलो ये लो आ दो, चलो ये लो, अब आप चले जाए। बस 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 आखिरी हो गया। आ जाए जरी खान साहब जल्दी से। जरी ये मत खुश टाइमी रखना कि तुम बड़े दूंगी मैं ज्यादा दूंगी। 1000-1500 ही नहीं, वो बड़े उसी छोड़ो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लो। अन्नू बड़ा है ना, अब इन नवाब साहब की बारी है, ये भी आ गए थे हमारे घर, है ना? छठ में भी मिला।
वैसे तो मैंने सोचा था इसके घर जाके दूंगी इसकी और इसकी बहन की, लेकिन ये खुद आ गया था तो फिर मैंने बोला कि अभी मैं सो देती हूँ, बहन की मैं बाद में। चलो सैरा क्या याद रखोगे, तुम्हें भी मैं 400-500 रुपए दूंगी। खाला की तरह सीधी मिल गई। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई मैंने जरी को भी ईदी दे दी है, उसैरम को भी दे दी है, महीर को भी दे दिया, अब बचे हैं उजैम खान साहब। उजैम खान साहब नमाज पढ़ने गए थे, फिर उसके बाद वो दोस्तों में चले गए थे, फिर उसके बाद वो सो गए, अब वो उठे नहीं, उनका उठने का नाम ही नहीं। तो जब वो उठेगा तब हम उसको ईदी दे देंगे। खुरैम को मैंने ईदी दी नहीं है, लेकिन खुरैम ने मुझे ईदी दी है। खुरैम ने और जरी ने दोनों ने मुझे ईदी दी है। खैर आप लोग को मैं ये दिखाऊं, ये मेरे पास बाकी थे, बल्कि एक चीज मुझे याद आई, मम्मा ने मुझे ईदी नहीं दी। इधर आए सारा मम्मा, आप आपने मुझे ईदी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? मैंने आपको इतनी सारी ढेरों शॉपिंग कराई, नहीं नहीं, पैसों वाली ईदी, पैसों वाली ईदी बाबा ने दोनों की तरफ से दी थी। जी नहीं, मुझे ईदी चाहिए। लाओ गड्डी दे दो। चलो मैं अपनी गड्डी लेकर आती हूँ, बड़ा वाला फिर मैं आपको ईदी भी दे दूंगी। सही, पहले ईद तो मिला, एक तो इतनी देर से रेडी हुई है, मैं तो कब की रेडी हो चुकी थी। हाँ, और चेंज भी कर लिया मैंने तो। मम्मा ने अपना आउटफिट चेंज कर लिया, मम्मा का बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट था, लेकिन मम्मा ने अपनी पिक्चर्स बनवाई, स्नैप्स बनवाई, वीडियोस बनवाई और चेंज कर लिया। मेरे ब्लॉग का इंतजार नहीं किया आपने? नहीं, मुझसे दरअसल ना बस तुम्हें पता, उलझन हो रही थी, उलझन हो रही थी, इतना वेट नहीं कर सकती थी ना, घर के काम भी होते हैं भाई, जाहिर सी बात है मैं आते कामों में लग गई, लेट लतीफ है, देर से तैयार हुई है। अच्छा हाँ, तीन दफा ईद मिलते रबी का, ईद मुबारक। और ये मैं अपना फुल आउटफिट भी दिखा देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं फुल। चले भाई रबी का, मुझे बोल लिया ईदी नहीं दी दिया, आप जरा मेरा हाथ भी चेक कर लीजिए, सबसे पहले आपको ईदी लेकर आई, ईदी आ गई है। वैसे इतनी सारी मेरी ईदी ऑलरेडी आ गई है, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की है, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ईदी आखिर आई कहाँ से है, कितनी सारी ईदी इकट्ठी हो गई, किस किस से ईदी लोगी। मम्मा अब ये देखिए, आपको ये देख रहा है कि मेरे पास ईदी इकट्ठी हो गई, लेकिन ईदी जा भी तो रही है। ईदी जा भी रही है, एक ही बात है ना, वो तो आती भी है चली भी जाती है। बड़े होने का ये नुकसान है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ईदी देनी पड़ती है। बचपन में तो बहुत सारी मिलती थी, तो हम अपने वॉलेट में छुपा के रखते थे कि हम कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन अब जो आता है वो चला जाता है। एनीवेज ये बातें तो होती रहेंगी, मुझे जस्ट ईदी डिस्ट्रीब्यूशन करी थी, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाना था, तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है, अब हमें जहाँ जाना है उसमें ये कपड़े सूटेबल नहीं है, तो मैं कपड़े चेंज करके आप लोगों से मिलती हूँ। ये क्या हो गया? सारे पैसे गिरा दिए मेरे। छोड़ो मेरे पैसे, ईदी देनी है सबको। जो कि मैंने चेंज कर लिया है, और मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गई कि ये मैंने बहुत ही खूबसूरत सी बास्केट बनवाई है। ये ईदी मैंने किसके लिए बनवाई है वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चल जाएगा, तो फुल व्लॉग जरूर देखना, मेरा ब्लश बहुत ज्यादा डार्क हो गया, प्लीज इग्नोर इट। तो सबसे पहले मैं अपनी दादी के घर आ चुकी हूँ, ईद मुबारक, और ये आपका ईद का गिफ्ट। A few moments later. So guys, finally मैं आयशा आपी के घर पहुंच चुकी हूँ, और जहाँ मुझे आना था वो आयशा आपी का घर ही था, और ये बास्केट भी मैं स्पेशली आयशा आपी के लिए लेके आई, क्योंकि मैं हर साल उनको कुछ ना कुछ ईद पर देती हूँ। इस बार मैंने सोचा कुछ अच्छी सी बास्केट होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक बास्केट बनवा ली, इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या क्या चीजें, फिर हम उनको देंगे। इसमें ये गजरे हैं, ये कुरकुरे, पीनट्स, मेहंदी तो जरूरी है, खीर, खीर का बोल है, झुमकियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ भी जरूरी हैं, कार्ड है, बॉडी स्प्रे है, और ये फेस मास्क है, बाकी ये टैंग शैंग भी डाल दिया था मैंने। सो ये बिल्कुल बास्केट रेडी है। खाला की बेटी इज हियर, मेरा बच्चा। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ आयशा भी कोई बास्केट देने। ईद मुबारक। गले को लगी ना। थैंक यू सो मच। तीन दफा मिलते हैं। ये आयशा भी आपकी ईदी है मेरी तरफ से। अच्छा जी, बड़ी हो गई आप? आपकी बहन है, बड़े छोटे का इसमें कुछ नहीं होता कि बड़ा है तो देगा, छोटी है तो नहीं देगा। खुशी की बात होती है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, लाइए अपने हाथ। सो आयशा भी आप ये बताएं कि कैसी गुजर रही है ईद?
मैं जो आ गई हूँ तो अब कल का पता नहीं, और थर्ड डे है आपके घर दावत, आना थोड़ा सा पॉसिबल, और यही सबसे ज्यादा दुख भरी बात है कि ये नहीं आएंगी दावत। हर साल में दावत से एक दिन पहले ही अभी घर चली जाती हूँ रुकने के लिए, और हम लोग को याद, मतलब वो तैयार तो भूल ही नहीं तो आप लोगों को नहीं बताएंगे, हम आप लोगों को बताएंगे बट बहुत जल्द इंशाल्लाह। ये आई है बेबी की ईदी, नानी लेके आई है बेबी की, इतनी क्यूट सी फ्रॉक है इसके अंदर, अल्लाह जल्दी से पहन ले। यहाँ पे उसैरम की ईदी, ऑब्वियसली उसैरम को कैसे भूल सकते हैं, और उसैरम की खाना हमको पहले की ईदी दे चुकी है जो हमने प्रिपेयर किया हुआ था, और बेबी की भी ईदी पहले की आ चुकी है, रबीका ने पहले ही दे दी, सबसे पहले जो ईदी दी थी वो रबीका ने ही दी। इतनी गर्मी है ना आज, इतनी गर्मी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे बाल बांधने ही पड़ गए, हालांकि मैं स्ट्रेट करके आई थी, बट बहुत ज्यादा गर्मी है आज, गर्मी ना हद कर दी। अच्छा, हमारे घर में ईदी टाइम स्टार्ट होने वाला है, अब मैं सबसे ईदी लूंगी। अब लाइन में खड़े हो जाओ सब, चाचू पहले ईदी, इतने से क्या होता है, इतने से क्या होता है, 300 रुपए दिया है, 100 रुपए दिया है। ओ माय गॉड, चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। ईदी निकालो, ईदी फट जाएगा, ना तुम्हारा रहेगा ना मेरा। भाई मैंने अपने चाचू से तो ईदी ले लिया, अब बारी आ गई कजन्स की, जिनसे मैं सबसे छोटी हूँ। भैया ईदी दे दे, जरा एक मिनट काउंट तो करने दो, दिखाओ कितने ले रहे, 100 रुपए, चलो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चलो निकलो अब ईदी। अच्छा लाइन में खड़े हुए थे ईदी लेके, क्या बात है भाई, पैसा ही पैसा। आ जाए सर लाइन में, आ जाए ईदी निकाले, पर नोट ही नोट है। कसम से मुझे लगा कि ये डॉलर निकाल रहा है, और ये यार चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। 75 का नोट ना चलता नहीं है सर, क्या करें, बड़े मार्केट में चल जाएगा, मार्ट में जाके देना 150 रुपए। ये सही है, अपनी सफाई पेश कर रही है बबली आ जाए। बाय द वे गाइस, ये जो मैं कुर्ती पहनी हुई हूँ ना, ये मुझे पता है किसने दी थी, अन्नू ने, मैंने दी थी, इन्होंने दी थी मुझे, देखो मेरा भाई कितना, चलो इस भाई ने भी दी थी, इसकी कुर्ती मैं बहुत सून पहनूंगी, विल शेयर पिक्चर्स ऑन माय इंस्टाग्राम। भाई मुझे तो ईदी मिल गई है, लेकिन अब बारी है बेबी को ईदी देने की, सबसे ज्यादा स्पेशल ईदी है ये। कहाँ है बेबी? ओ आ गई मेरी मुन्नी चुन्नी, अस्सलाम वालेकुम, करो इसकी तरफ से मैं कर रही हूँ, ये आपकी ईदी जानू, हवा करो, हवा करो, आई मीन लव बच्चा। सो गाइस फाइनली आई एम बैक होम, बहुत ज्यादा थक गई और बहुत ज्यादा गर्मी थी भाई, आप लोगों ने देखा मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, मतलब इंतहा से ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हुई है। खैर ये एक डेली ब्लॉग टाइप था, डेली ईद रूटीन टाइप था, मैंने सबको ईदी दी, सबने मुझे ईदी दी, तो आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। तो आप लोगों को ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के पास कितनी ईदी जमा हो गई, अवॉइड माय स्वेटिंग। एक दफा फिर आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।